आज का हमारा टॉपिक जो है वो है क्वेश्चंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये एग्जैक्टली वही इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी स्कूल फिजिक्स के अंदर पढ़ी हुई हैं, और उन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन का हम रिव्यू देखेंगे और देखेंगे कि इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का क्या काम होता है, इसको हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इन इक्वेशंस को जो है वो हम किस किस कंडीशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं इसको इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। इनको इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो है वो कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस का क्या मतलब है कि अगर वो कंडीशंस पूरी होंगी तो फिर ही हम इन इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी लिमिटेशन क्या है कि अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो फिर ही हम उसके ऊपर इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर हम उसके ऊपर जो है इन इक्वेशंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि इनकी लिमिटेशन के बाद इनको जो है वो हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं ये कौन सी हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियली वी आई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम टी गुजरने के बाद लेट से इसकी वेलोसिटी जो है वो वी आई से चेंज हो गई, कितनी हो गई, वी एफ हो गई, और जब आपको नज़र आ रहा है कि इसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आया टाइम के अंदर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, ए। और फ़र्ज़ करें कि इसने अपनी इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक जाने में जो डिस्टेंस कवर किया वो किसके बराबर है, एस के। तो ये जो आपको इस वक्त यहाँ पे पांच पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और साथ साथ इसका डिस्टेंस, इनको यूज़ करते हुए हम इसकी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं इसको लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं ये हमें क्या बताती हैं और ये कौन सी हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको हम कहते हैं वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस वन ओवर टू ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन होती है टू ए एस इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये जो आपके पास तीनों इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं, इन तीनों की डेरिवेशन जो है वो आपने ऑलरेडी स्कूल फिजिक्स के अंदर की होगी। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ इनका एक रिव्यू देखना है और देखना है कि इनको हम किस किस मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम दोबारा जो है वो इनकी डेरिवेशन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखें, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, मतलब अगर आपने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो वो आप इस इक्वेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस वन ओवर टू ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन जो है ये आम तौर पे वर्टिकल डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। और तीसरी इक्वेशन जो है टू ए एस इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये भी आपके पास डिस्टेंस या एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो तीनों इक्वेशंस का अपना अपना इस्तेमाल है। मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि आपको टाइम गिवन है और आपने एक्सेलरेशन निकालना है तो आप फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप थर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड के अंदर आपको टाइम नज़र नहीं आ रहा। अगर फ़र्ज़ करें कि आपको डिस्टेंस गिवन है और आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आप सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर थर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फर्स्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आपको डिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है और आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन तो आप सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि थर्ड इक्वेशन में डिस्टेंस तो है लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो मतलब ये है कि ये तीनों इक्वेशंस अगर आप लोगों को याद हैं तो आप जो भी डाटा गिवन होगा उस डाटा की मदद से अपनी इक्वेशन जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी अननोन चीज़ है उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास सिंपल सी जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी जिनको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और ये भी याद रखें कि जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई हो सकती हैं
जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो, इसीलिए हम इनको इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। अब ये जो हमने तीनों इक्वेशंस पढ़ी, इनको मैं दोबारा जो है वो यहाँ पे लिखने लगा हूँ, किस मकसद के लिए कि ये जो तीनों इक्वेशंस हैं ये इस्तेमाल होती हैं हॉरिजेंटल मोशन के लिए। फ़र्ज़ करें कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव कर रही है, तो उसके लिए ये इक्वेशंस होंगी वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस वन ओवर टू ए टी स्केयर, और थर्ड इक्वेशन होती है टू ए एस इज इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अगर हम इन्हीं इक्वेशंस को वर्टिकल मोशन के लिए लिखना चाहें, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई बॉडी ऐसी है जो कि फ्रीली फॉल करती हुई जो है वो ज़मीन की तरफ आ रही है, अब इनके लिए यही वाली इक्वेशंस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, इनके अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा और वो क्या होगा, ये बन जाएंगी वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। मतलब हमने यहाँ पे ए जो है इसको किससे रिप्लेस कर दिया, जी के साथ। सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी एच इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस वन ओवर टू जी टी स्केयर, डिस्टेंस को किससे रिप्लेस कर दिया, वर्टिकल हाइट के साथ। और तीसरी इक्वेशन बन जाएगी टू जी एच इज इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो देखें कि ये भी इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और ये जो तीनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं ये भी इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। फ़र्क सिर्फ दोनों के अंदर क्या है कि ये जो है ये बॉडी की हॉरिजेंटल मोशन को शो करती हैं, और ये वाली जो है ये बॉडी की वर्टिकल मोशन को यानी कि फ्री फॉल मोशन को शो करती हैं। तो जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, ए जो है इसको जी से रिप्लेस कर देना है, और जो वर्टिकल हॉरिजेंटल डिस्टेंस है उसको वर्टिकल हाइट से रिप्लेस कर देना है। तो इस तरीके से आप जो है वो वही इक्वेशंस जो हैं उसको वर्टिकल मोशन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे इस जी का जिक्र किया, तो इसको जो है वो थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास जो है वो अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा होगा तो उसके लिए जी का साइन जो है वो क्या होगा, प्लस 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और अगर फ़र्ज़ करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ से अवे जा रहा है यानी कि ऑपोजिट साइन पे, तो उसके लिए जी की वैल्यू होगी माइनस 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के करीब करीब जी की वैल्यू जो है वो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है यानी कि 9.8। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की डायरेक्शन में आ रहा होगा तो उसका साइन पॉजिटिव होगा, और अगर अर्थ से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये जो साइन है याद रखें ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, इसका मैग्नीट्यूड के साथ जो है वो कोई लेना देना नहीं है। मैग्नीट्यूड ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए दोनों केसेस में आपके पास कितना रहेगा, 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। फर्दर जो है वो अगर हम इसके अंदर देखना चाहें तो हम जो है वो एक बॉल की मोशन को भी कंसीडर कर सकते हैं। फर्ज करें कि ये हमारे पास जो है वो अर्थ का लेवल है, और हमारे पास कोई भी एक बॉल है जिसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको वेलोसिटी के बारे में बताने लगा हूँ। लेट्स से यहाँ पे जो है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी आई है। जब हम इस बॉल को यहाँ से लीव करेंगे अपने हाथ से, तो याद रखें कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, इस वक्त मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करेगी। और जब इस बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे और ये जाके मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, तो यहाँ पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि ये ऊपर जाके थोड़ी देर के लिए रुकती है, और रुकने के बाद फिर जो है ये किस तरफ आएगी, नीचे की तरफ। जब ये फिर नीचे की तरफ आएगी तो दोबारा इसकी वेलोसिटी के अंदर जो है वो इजाफा होना शुरू होगा, और इस पॉइंट पे आके लेट से इसका नाम जो है वो मैं रख देता हूँ वी आई डैश, तो वी आई डैश जो है ये दोबारा आपके पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को गौर से देखें, जब हमने इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो यहाँ पे जो है वो इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आहिस्ता आहिस्ता इस वेलोसिटी के अंदर जो है वो डिक्रीज आना शुरू होगा, डिक्रीज आते आते यहाँ पे आके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो।
जीरो होने के बाद दोबारा जो है वो जब ये नीचे की तरफ आएगी तो दोबारा इस विलास्टी के अंदर इंक्रीज आना शुरू होगा, और इंक्रीज आते आते इस पॉइंट पे आके ये दोबारा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो ये आपके पास जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक बॉडी की जो है या एक बॉल की जो है वो मोशन का था कि हम कैसे जो है वो इसकी विलास्टी के बारे में स्टडी कर सकते हैं, और कैसे कैसे इसकी विलास्टी जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो चेंज होती है। यानी कि स्टार्ट में हमने ये देखा कि इनिशियल विलास्टी जो है वो आपके पास मैक्सिमम है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी आना शुरू हुई, और कमी आते आते फाइनल पॉइंट पे जाके वो जीरो हो गई। जब फाइनल पॉइंट से वो दोबारा अर्थ की तरफ आएगी तो दोबारा उसकी विलास्टी के अंदर इजाफा होना शुरू हो जाएगा, और इजाफा होते होते क्या होगा कि दोबारा उस पॉइंट पे आके इनिशियल पॉइंट पे उसकी विलास्टी मैक्सिमम हो जाएगी। अब इसमें अंदर एक लास्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, और वो क्या है कि फर्ज करें कि आपने एक ऐसी जगह इस्तेमाल की है जहाँ पे एयर मौजूद है, लेट से यहाँ पे एयर जो है वो प्रेजेंट है। अगर आपके पास एक लोहे की बॉल है, ये फर्ज करें कि आपके पास आयरन की बॉल है, और एक दूसरी फर्ज करें कि आपके पास प्लास्टिक की बॉल है जो कि काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है। अगर हम आयरन और प्लास्टिक की बॉल को सेम टाइम पे हाइट से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो क्या होगा कि आयरन की बॉल जो है ये जल्दी ज़मीन पे पहुंच जाएगी क्योंकि ये हैवी होती है, लेकिन जो प्लास्टिक की बॉल है ये थोड़ी देर बाद में पहुंचेगी। ये टाइम का डिफरेंस जो है ये आप रियल के अंदर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप अगर एक छत पे जाएं, छत पे जाके आप अगर एक आयरन की बॉल को और प्लास्टिक की बॉल को नीचे की तरफ फेंकें तो जाहिर सी बात है कि आयरन की बॉल जो है वो ज़्यादा हैवी होती है, वो जल्दी नीचे पहुँच जाएगी, लेकिन प्लास्टिक की बॉल जो है वो ज़्यादा जल्दी नीचे नहीं पहुँचती। लेकिन अगर फ़र्ज करें कि इसी एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करते हैं जहाँ पे कोई एयर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, फ़र्ज़ करें कि हमने किसी तरीके से एयर को रिमूव कर दिया। अब एयर को रिमूव करने से क्या होगा कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो आयरन की बॉल है और एक दूसरी जो आपके पास प्लास्टिक की बॉल है, इन दोनों को अगर आप सेम टाइम के ऊपर रिलीज़ करते हैं तो ये दोनों जो हैं वो ज़मीन के ऊपर सेम टाइम के ऊपर आपको मिलेंगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो कि गैलीलियो ने पेश किया था कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अगर हम एयर को रिमूव कर देते हैं किसी तरीके से, तो प्लास्टिक की और आयरन की बॉल दोनों, यानी कि एक हल्का ऑब्जेक्ट और एक हैवी ऑब्जेक्ट, दोनों जो हैं वो सेम टाइम के ऊपर जो है वो ज़मीन के ऊपर पहुँचते हैं। और इस चीज़ को समझाने के लिए जो है वो नासा जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया था, वो एक्सपेरिमेंट भी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो आप लोगों ने ज़रूर देखना है, और उसको देख के जो है वो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एयर की मौजूदगी में और एयर की गैर मौजूदगी में एक हैवी ऑब्जेक्ट और एक लाइटर ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे बिहेव करते हैं।